Hello guys and welcome back to my channel on Heaven's Creed. So guys, आज मैं आप ये वीडियो बता रहा हूँ. मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा कि रिज्यूम टेम्पलेट हम कहाँ से ले सकते हैं और जो परफेक्ट रहे हमारे बायोडाटा के लिए और वो बहुत एलिगेंट भी रहे और अच्छा भी रहे. जो नॉर्मल हम देखते हैं रिज्यूम का ब्राउचर जो रहता है और उसका टेम्पलेट जो रहता है वो थोड़ा सिंपल टाइप का रहता है. जैसे आप देखते हैं हमेशा एक वाइट पेपर में और उसमें ब्लैक कलर से लेटर में लिखा होता है. सो नाउ मैं आपको बताता हूँ. सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. और मैंने दो टेम्पलेट ऐसे दिए हैं जो आपको वहां से परचेज करने पड़ेंगे. सो ये रहा पहला टेम्पलेट. तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि आपका नॉर्मल रिज्यूमे से बिल्कुल अलग ही दिखता है आपका. सो आप चाहते हैं तो इसे अपना एडिट कर सकते हैं, अपने फोटो को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप चेंज पिक्चर्स कर सकते हैं. यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में चेंज पिक्चर का ऑप्शन दिया है. जो भी चाहे अपना नेम को अपना एडिट करके लिख सकते हैं. और यहाँ पर आपकी जो भी है बायोडाटा, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वहाँ क्या क्या आप करते हैं उसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. तो मैं आपको फुल स्क्रीन में बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से दिखता है. तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले से ही A4 साइज में ही रहता है और इसे हमेशा मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा इसे कलर प्रिंट ही निकलवाएं. कलर प्रिंट से क्या होती है, इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है. और हमेशा इसे नॉर्मल पेपर में मत निकलवाएं, इसे बॉन्ड पेपर में निकलवाएं. बॉन्ड पेपर में क्या होता है, आपकी जो पेपर की क्वालिटी है वो थोड़ा बढ़ जाती है और आपका रिज्यूमे एक बेहतरीन आपका ब्यूटीफुल लगता है और आपके रिज्यूमे दूसरे से यूनिक और डिफरेंट लगते हैं. सो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको चाहिए ऐसा वाला टेम्पलेट, अगर चाहे तो आप बना सकते हैं. बहुत ही सिंपल है, एडिट करके आप कुछ भी बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में. तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पर अपना जो भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप सिविल इंजीनियर लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आप कुछ भी अपना एडिट करके अपना फोटो चेंज कर दीजिए और आप अपना रिज्यूमे निकाल सकते हैं. यहाँ पर जाइए, प्रिंट में दबाइए और प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप. यहाँ पर आपको दिखती है ये प्रिंट प्रीव्यू है, कुछ इस तरह से दिखता है. सो मैं आपको बताना चाहूंगा एक और रिज्यूमे. तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दूसरा रिज्यूमे है, वो भी बिल्कुल अच्छा है, जिसे क्रिएट किया है मेरे एक दोस्त ने. और ये दोनों ही मेरे दोस्त ने क्रिएट किया है. वो एक फ्रीलांसर का काम करता है और उसी ने कहा है कि आप चाहे तो इसे आप दे सकते हैं. तो क्या है उसकी मेहनत हम तो ले नहीं सकते, इसलिए अगर आपको चाहिए तो सिर्फ ये दो टेम्पलेट्स हैं और रिज्यूमे टेम्पलेट्स आप जाइए और वहाँ पर ले सकते हैं आप और उसे आप अपने इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं. बस उसे आपको एडिट करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ लिखना है, एडिट करना है, अपना नाम को जाके
पेस्ट करना है, अपना फोटो जाके पेस्ट कीजिए और हमेशा कलर में ही निकलवाइए बॉन्ड पेपर में, जिससे आपका जो रिज्यूमे है बेहतरीन लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको फुल स्क्रीन में बताता हूँ, तो यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, जो कि आपकी नॉर्मल रिज्यूमे है उससे बहुत अलग ही दिख रहा है। तो ये आपके क्वालिफिकेशन को तो अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट करता ही है, साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि ये आपका रिज्यूमे है जो कि आप बिल्कुल अलग है और प्रोफेशनल, मतलब आपका प्रोफेशनल टाइप से आपका रिज्यूमे है बिना आपके मेहनत किए। सो जस्ट आपको यहाँ पर एडिट बस करना है, और मैं आज इसका प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। सो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट प्रीव्यू में देख लीजिए और प्रिंट का ऑप्शन दबा दीजिए, और यहाँ पर आपको पहले से ही A4 साइज की यहाँ पर आपको साइज मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर चाहे दोस्तों आप जाके वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और इसे अपने खुद से बना सकते हैं। तो ये रहा डिज़ाइन, आप चाहे तो आप अपने से ही बना सकते हैं इसे पावर पॉइंट में, या फिर उसे जाके परचेज कर सकते हैं। सो होप यू लाइक गाइस दिस वीडियो, और भी ऐसे जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू गाइस।